माइंड डस्ट है, अगर इसको हम प्रॉपर मैनर में कहीं पर यूज कर लें तो क्लाइमेट का अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। माइनिंग डस्ट बहुत जगह प्रयोग में लाई जा सकती है, तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, पहला प्रश्न आता है। इसका प्रयोग कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसका प्रयोग कहाँ लाया जा सकता है। तो पहले इन सरप्राइजिंग ट्विस्ट, दार्जिलिंग बेस्ड कंपनी आल्ट कार्बन माइनिंग डस्ट को क्लाइमेट फ्रेंडली सॉल्यूशन में बदल रही है। कौन सी कंपनी है? आल्ट कार्बन है, जो माइनिंग डस्ट को क्लाइमेट फ्रेंडली सॉल्यूशन में बदल रही है। ठीक है, कौन बदल रहा है? आल्ट कार्बन, कहीं पे लिख लो, आल्ट कार्बन इज टर्निंग डस्ट इनटू गोल्ड। आल्ट कार्बन इज टर्निंग डस्ट इनटू गोल्ड, हमें व्हाट्सएप करो। ठीक, विद $5 lakh इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट कंपनीज, आल्ट कार्बन इज यूटिलाइजिंग जियोकेमिकल प्रोसेस नोन एज इनहेंस रॉक वेदरिंग टू टैकल एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या यूज करें? इनहेंस रॉक वेदरिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इनहेंस रॉक वेदरिंग क्या होती है? रॉक नेचुरली डीकम्पोज ओवर 1000 years, है ना, प्राइमरी थ्रू द रेन एंड हीट। जो पत्थर है वो कैसे डिके होता है? जब बहुत ज्यादा पानी और गर्मी पड़ती है तो वो डिके होने लगता है। दिस ब्रेकडाउन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द बायो कार्बोनेट्स, एटमोस्फेरिक CO2 रिएक्ट्स विद द मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। अब ये क्या बनाते हैं? बायकार्बोनेट्स बनाते हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस बायकार्बोनेट्स इवेंचुअली मेक देयर वे टू द ओशियन वाया एक्वीफायर्स, विच दे हैव द कैपेसिटी टू स्टोर एंड एस्पेस्टर कार्बन फॉर द 1000 years। अब ये क्या करते हैं, ये बायोकार्बोनेट्स जो होते हैं अपना वे बनाते हैं ओशियन के, ठीक है, एक्वीफायर्स के थ्रू, और सालों वहां पर ट्रैप रहते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, द वन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोस्फियर विद द गोल ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन चलता है, जिसे सिक्वेंसिंग भी बोलते थे। तो इसमें क्या होगा, कार्बन को ट्रैप कर लेंगे हजारों सालों के लिए, जो एटमोसफियर में रिलीज नहीं होगा। एक्सिलरेटिंग कार्बन रिमूवल, अर्जेंट नीड है कि हम कार्बन को एटमोसफियर से कम करें। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने इसके लिए बोला था, और नेचुरल कार्बन रिमूवल का एक प्रोसेस ये है। इनहेंस रॉक वेदरिंग ऑफर्स अ प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन। इनहेंस रॉक वेदरिंग क्या कहता है, इससे हमें एक प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है। द नेचुरल बेस्ड प्रोसेस एक्सिलरेट नेचुरल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर, हेल्प एड्रेस क्लाइमेट चेंज। अब CO2 हमें क्या चाहिए, जब बारिश और हवा से पत्थर डिकम्पोज होगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो एटमोसफेयर से उठाता है, वो ट्रैप हो जाती है उसी में, तो एक अच्छी चीज है ना। अब इनहेंस रॉक वेदरिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है ना स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड सिलिकेट्स रॉक लाइक बेसाल्ट ऑन दी लैंड। अब उसको हम अलग कर लेते हैं, उसे फैला देते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द रॉक, सरफेस एरिया रॉक का बढ़ा देते हैं, और केमिकल रिएक्शन डालते हैं रॉक्स वाटर एंड एयर। अब उसमें क्या करते हैं, पत्थर पानी और हवा डालने लगते हैं। बेनिफिट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या इनहेंस रॉक वेदरिंग कैन हेल्प रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर, इम्प्रूवर सॉइल, है ना, इनहेंस रॉक वेदरिंग सॉइल का पीएच न्यूट्रिशन और फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, ओशियनिक एसिडिफिकेशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये ओशियन एसिडिफिकेशन को हेल्प करते हैं मिटिगेट करने से। तो एटमोसफियर भी साफ होता है, ओशियन भी साफ होते हैं, और जमीन फर्टाइल हो जाती है। चैलेंजेस, जो इनहेंस रॉक वेदरिंग है ये एक प्रैक्टिकल क्लाइमेट सॉल्यूशन तो है, बट यहाँ पर माइनिंग ग्राइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग रॉक्स कंज्यूम सिग्निफिकेंट एनर्जी। भाई एक जगह से ले जाओगे ना रखने के लिए, एक बड़ा सा ग्राउंड चाहिए जहां पे इन पत्थरों को रखोगे, तो उसमें तो फ्यूल वाली गाड़ियां चलाओगे। वेदरिंग करने से पहले किसी जगह ले जाओगे ना, तो वो आपका कार्बन बेनिफिट को जो है उसको नलीफाई कर देते हैं। वेदरिंग रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ द लैंड, तो इतना बड़ा लैंड हमारे पास होना चाहिए, कई सारे फार्म और कोस्टल एरिया में जब कार्बन रिमूवल करेंगे तो बहुत सारा लैंड जो हमारा फ्री जोन था वो यूटिलाइज हो जाएगा, तो हम उसमें कृषि भी नहीं कर सकते। इनहेंस वेदरिंग इज सिंपली मोर एक्सपेंसिव देन द डायरेक्ट वेज ऑफ डीलिंग विद कार्बन एमिशन। ये बहुत महंगा प्रोसेस है, कार्बन एमिशन के और जो तरीके हैं उनसे महंगा, पेड़ लगाना इज द मोस्ट चीपर देन डूइंग दिस। ठीक है, अब इनोवेटिव अप्रोच ऑफ द आल्ट कार्बन यूजिंग बैलिस्टिक रॉक फॉर EWD। बैलिस्टिक रॉक स्पेशली एविडेंट ऑफ द रीजंस लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात ड्यू टू द वोल्केनिक, है ना, डेकन ट्राइब्स आज रिच इन मिनरल्स एसेंशियल फॉर कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन। अब यहाँ पर जो भी हम रॉक यूज कर रहे हैं वो जो ज्वालामुखी के बाद बनी थी उनको, बाय क्रशिंग द रॉक इनटू द फाइन पाउडर आल्ट कार्बन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द सरफेस एरिया। अब इनको क्या करता है, फाइन पाउडर में क्रश कर देता है और इसकी फॉर्मेशन बायो कार्बोनेट की बढ़ा देता है ना, जो 1000 times है अदर किसी रॉक से। एप्लीकेशन इन दार्जिलिंग, आल्ट कार्बन कलेक्ट प्रोसेस बटाल फ्रॉम राजमहल माइंस एंड ट्रांसपोर्ट टू दार्जिलिंग वेयर इट्स अप्लाइड टू द टी स्टेट्स। अब इसने डस्ट को उठाया राजमहल से,
राजमहल की पहाड़ी सोडा के कहाँ ले गया, दार्जिलिंग के टी स्टेट में। दिस प्रोसेस नॉट ओनली इनरिच द सॉइल, अब ये डस्ट डाला गया इसने सॉइल ही नहीं बढ़ाई बल्कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी बढ़ा दिया, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन को भी एब्जॉर्ब कर लिया। करंटली द कंपनी हैज यूटिलाइज अराउंड 5500 टन्स ऑफ द बेसाल्ट डस्ट, एमिंग सिक्वेस्टर ऑफ 5000 टन्स ऑफ द सीओटी इन द कमिंग ईयर्स, मेकिंग माइनिंग डस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली। अभी क्या कर रहे हैं, जो डस्ट ले जा रहे हैं उससे 50,000 टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड हटा सकते, ठीक है। एप्रिसिएशन और एप्रीहेंशन ऑफ द ऑल्ड कार्बन सिक्योरिंग एग्रीमेंट्स, अब ऑल्ड कार्बन इनोवेशन अप्रोच अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द मेजर कंपनी, दे एंटर्ड इन द पार्टनरशिप विद फ्रंटियर ऑस्ट्रेलियन इंक्लूडिंग मैक कैनकी एंड द अल्फाबेट टू सिक्योर कार्बन क्रेडिट ऑफ डॉलर 5 लाख डॉलर का मतलब करोड़ों में हुआ, ठीक है। दे ऑल्सो कोलाबरेट विद द नेक्स्ट जेन टू बाय एडिशनल कार्बन क्रेडिट ऑफ $200 per ton, ठीक है। नेक्स्ट जेन के साथ भी जुड़ रहे चैलेंजेस, वाइल द प्रिंसिपल ऑफ EWR वेल अंडरस्टूड, डिस्क्रिपेंसी मेजरिंग सिक्वेस्टिंग रेज कंसर्न एंड द एम्फेसाइज नीड टू प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द प्रोटोकॉल। आर्ट कार्बन पाइनियर है इस वर्क में, जो क्रश करके इसको यूज करती है, नॉवेल मेथड कार्बन सिक्वेंसिंग का। गोइंग अहेड कंपनी का एम है कि सिग्निफिकेंट स्ट्राइड कॉम्बेटिंग क्लाइमेट आए यहाँ पर और इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। किसी भी रॉक डस्ट को अगर हम सही तरीके से यूज करते हैं तो हमें बेनिफिट ही होता है, हमें कोई लॉस नहीं होता, बट इसको हम सही तरीके से यूज कर पाएं